आई एम इनाम जहांगीर एंड आई एम करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड आई एम एलुमनाई ऑफ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर प्रोफेशनल कैरियर के आगाज़ की हम बात करें तो आई स्टार्टेड डूइंग माई मास्टर्स इन फिलासफी इन सेकेंडरी टीचर एजुकेशन। चूँकि जॉब की प्रोफेशन इस किस्म की थी और उसकी रिक्वायरमेंट भी इस किस्म की थी कि हमने एजुकेशन की प्लानिंग को देखना था, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस कोर्स फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी। और इसकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, जिस तरीके से हमारे टीचर्स ने हमें उसके ऊपर आप यूँ समझिए कि आबियारी की हमारी, इस तरीके से कि इट हैज़ वी हैव डन ट्रिमेंडसली वेल इन डिफरेंट फील्ड्स, ख़ास तौर पे जो आईटी से रिलेटेड और फिर जो पेडागोजी से रिलेटेड स्किल्स डेवलप की इसके अंदर, फिर साथ साथ जो पॉलिसी डेवलपमेंट के लेवल के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड वी आर थैंकफुल टू दी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, हमारे जो मेंटोर्स, हमारे जो डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, और ओवरऑल यूनिवर्सिटी का अपना रोल कि वो इतना फ्लेक्सिबल आपको टाइमिंग्स देती हैं हम जैसे प्रोफेशनल्स को कि वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, ना सिर्फ अपनी सलाहियतों को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करें बल्कि ऑन दी अदर हैंड दे कैन परफॉर्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो ओपन यूनिवर्सिटी को जब ऑप्ट करते हैं तो कोर्सेज आर वेरी गुड, द मेंटोर्स आर वेरी गुड, उनसे अब हमने उनको किस तरीके से अपने अंदर एसिमिलेट करना है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और अगर हम एसिमिलेट करें सही तरीके से तो वी कैन परफॉर्म वंडर्स, और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतर यूनिवर्सिटी ये है, और ना सिर्फ बेहतर है बल्कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को इस तरीके से इन्हांस करती है कि आप बहुत ही टॉप रैंकिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ आप कंपीट कर सकते हैं और यू कैन अर्न लॉरल्स। यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने की जो बेसिक रीजंस थी, एक तो ईज़ ऑफ एक्सेस, क्योंकि आप जो प्रोफेशनल आप अपनी सर्विस में होते हैं तो एक्चुअली आपके पास इतना कम्यूट करने का टाइम नहीं होता। दूसरी ये कि फ्लेक्सिबल आवर्स अवेलेबल होते हैं। तीसरा ये कि टीचर्स की एक्सेस इतनी आपके पास है कि वो ईज़िली एक्सेसिबल हैं, आप उनको किसी भी टाइम पर कनेक्ट कर सकते हैं, और वो इतने जनरस होते हैं कि वो ना सिर्फ आपको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं बल्कि आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। जी, सबसे अहम जो मुझे लगता है कि जब कोरोना का टाइम पीरियड आया तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ वो क्रिपल्ड थी, तो हमारे टीचर्स ने फौरन ही उसको LMS पे कन्वर्ट किया और LMS के ऊपर उसको बेहतरीन यूज़ किया, जिससे ना सिर्फ हमारी अपनी स्किल्स इन्हांस हुई कि हम इस फोरम को, गूगल क्लासरूम्स को कितने अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से एजुकेशन इन एमरजेंसी के नाम पे बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, और कोई भी सेमेस्टर जो है वो नहीं रहा, यानी वो उसी कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। दिस इज़ द वंडरफुल थिंग। और फिर जिस तरीके से हम असाइनमेंट्स को सबमिट करते रहे और फिर मार्क होके वो वापस आई और फिर फीडबैक जिस तरीके से हमें मिला, दैट इज़ द ग्रेट थिंग ड्यूरिंग दिस ऑल MPhil फिनोमेना। और लेटर ऑन स्टेज पे जिस तरीके से जो असातज़ा हैं वो गाइड करते हैं आपको रिसर्च फेज़ में, रिसर्च फेज़ के बाद आपकी जब प्रेजेंटेशन और जब डिफेंस कर रहे होते हैं, दे ऑल डिफेंड एंड सपोर्ट यू टू गेट द डिग्री इन अ सच नाइस वे कि जो कि शायद किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये दिस डेफिनेटली इट इज़ ओपन यूनिवर्सिटीज़ कंट्रीब्यूशन कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी भी पोजीशन पे बैठ के बहुत बेहतर तरीके से ना सिर्फ फैसले कर सकते हैं बल्कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इदारों के लिए हमें हमेशा बकअप मिलता है कि जी जब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लोग हमारे साथ बैठते हैं तो उनकी विजन और हमारी विजन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बल्कि हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पर।